पत्रकार ये पूछता है जब कि आप थकते क्यों नहीं हो, और एक्टर आके पूछ रहा है कि आप आम काट के कैसे खाते हो, तो ये इस तरह का बेतुका और बेहुदा सवाल होना चाहिए क्या? किलो राशन की कीमत क्या है आज के डेट की? 25 रुपया। 10 किलो का कितना हुआ? 250 रुपये का राशन, 250 रुपये का राशन सरकार फ्री देती है और 1200 रुपये सिलेंडर पिछवाड़े से काट लेती है। मोदी बन रहे हो, राहुल गांधी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोलने देते, और तुम जनता को तुम मीडिया वाले नहीं बोलने देते, तो यही तो चल रहा है देश में। मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, यही तो ऐड चलता था। वो ऐड कहाँ गया, मैं यही पूछ रहा हूँ। तंत्र के जिम्मेदारी के तीन लोग को मैं जिम्मेदार मानता हूँ, एक बिका हुआ कलम, सोई हुई जनता और मरा हुआ विपक्ष। कर्नाटक इस देश को संदेश दे दिया कि अब हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए। हमें ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए, क्योंकि ये जो सांप्रदायिक माहौल में हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ रहें, हम ये पीस चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बुनियादी सवालत हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, उस पर बात हो, ना कि फालतू की बातों पर। हम अब जनता नहीं बहकने वाले हैं, ये मेरा कहना। और इसी वजह से बजरंग बली का जो मैजिक था, जो प्रधानमंत्री ने सोचा था कि धार्मिक जो माहौल क्रिएट करके चुनाव जीत जाए, तो नकार दिया जनता ने कर्नाटक की। क्योंकि हमें बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमें जो है किसी से बैर नहीं है, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हम सब भाई हैं, हम सब भाई हैं, यही हम चाहते हैं। और बाकी पार्टी सोचना बंद कर देती है, बीजेपी शुरू कर लगता है आपको? वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ हुआ है, दिख रहा है और दिखा भी है, क्योंकि जिसने 91-91 गालियाँ गिनवाई थी उसको 91 सीट तक नहीं दिया, और जिसने बजरंगबली जिताने की बात कर रहे थे मंच से, तो बजरंगबली तो झूठों का साथ देंगे नहीं, तो अपने गदा से दौड़ा दौड़ा के मारा है आज। हाँ मारा है। ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस को लॉलीपॉप दिया गया कर्नाटक का, 2024 बीजेपी का असली निशाना है 2024। ये आप लोग नैरेटिव मत बनाइए, 2000 मैं पहले से बोलता हूँ विपक्ष है नहीं, तो 2014 की जो अभी कर्नाटक की जो आज का रिजल्ट देख रहे हो ना, तो ये सत्ता बनाम जनता था, क्योंकि जनता ने ही नारा दिया था। देखो जो संतोष पाटिल की जो डेथ हुई थी, 40% कमीशन जो खोरी में, तो जनता ने ही नारा दिया था 40% की सरकार आ, इसलिए ये सरकार गई। और 2024 का भी चुनाव जो है हम जनता लड़ेंगे, जनता बनाम सत्ता। अच्छा, एक स्टेट जीतने के बाद इससे पहले नहीं, हिमाचल भी तो ठीक है, चलिए उससे पहले 5 स्टेट जीती है। कौन बीजेपी? यार एक बात बताओ, तुम लोग की जो सवालात है ना, ये सबसे घटिया और वाहियात है। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? मैं वही बता रहा हूँ यार, बता तो रहा हूँ। घटिया और वाहियात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये तुम कैसे तय करते हो, जब बीजेपी भी जब 1980 में पार्टी बनी। यार सुनो तो, सुनने नहीं देते हम लोग। जो दिख रहा, जो दिखा रिजल्ट आया वो मैं बोलना होता है, तो आप ही बोलो ना, तो मुझसे इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? मेरा ये कहना है, तो एक बात सुन लो, पहली बात तुम लोग की आदत है कि सुनते नहीं हो, पहली बात सवाल का बोल के छोड़ देते हो और सुनते नहीं हो। ये देश की जनता जो है अब जाग चुकी है, आप बेतुका सवाल कर रहे हो और मुझे लग नहीं रहे हो कि आप पत्रकार हो, इसलिए कि अभी आप ही ने कहा था कि देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। हाँ, तो शिक्षा का स्तर देश का क्या है? हाँ, रोजगार की बात कर रहे हो ना, क्या देश के जो इंस्टीट्यूशन है उसकी हालत क्या है? ICU में हाँप रहे हैं वो। हाँ, तो क्या है स्थिति? तो हम यही तो कह रहे हैं कि हमें रोजगार दो, हमें तुम, मैं ये जो बोलते हैं ना, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा, तो यही बात, तो इधर उधर की बातों में हमें ना घुमाओ, ये बताओ। पर और सवाल तुम मुझसे कर रहे हो जबकि मैं एक देश का आम नागरिक हूँ, सवाल तुम्हें प्रधानमंत्री के पास, तुम्हारे पास दम है जाके सवाल करने की? बताओ है दम है? कब पहुँचेंगे? जब ऊपर पहुँच जाओगे तब? हाँ, जब तक तुम पहुँचोगे तब तक वो पहुँचा देंगे तुम्हें। ये तुम लोग डरे हुए लोग हो, पत्रकार इसमें डरा हुआ है। अब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की बर्बादी के जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो,
इसलिए कि लोकतंत्र के जिम्मेदारी के तीन लोग को मैं जिम्मेदार मानता हूँ, एक बिका हुआ कलम, सोई हुई जनता और मरा हुआ विपक्ष। और लेकिन सबसे ज़्यादा दायित्व तुम्हारा है, जनता को जागरूक तुम करते हो, जनता में अवेयरनेस तुम लाते हो और तुम ही बताते हो हाँ कि देखो नाले में से गैस निकल रहा है। और मोदी जी बताते हो तो तुम मोदी जी से बोलते नहीं हो नाले में से गैस निकलता है क्या, ये कौन पूछेगा, हम तो जनता है भाई। अच्छा जनता पूछेगी और तुम घुइया छीलोगे माइक पकड़ के, जनता ये पूछेगी और तुम घुइया छीलोगे माइक पकड़ के, तो जनता का तो देखो तुमको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि तुम जनता और सत्ता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम हो। और तुम मुझसे ये बोल रहे हो, ये सवाल कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पत्रकारिता पर सवाल उठाता हूँ, समझे कि नहीं। पत्रकार ये पूछता है जब कि आप थकते क्यों नहीं हो, और एक्टर आके पूछ रहा है कि आप आम काट के कैसे खाते हो, तो ये इस तरह का बेतुका और बेहुदा सवाल होना चाहिए क्या? सोचिए देश कितना आगे, देश इतना आगे निकल गया है, इतना आगे निकल गया कोई पकड़, देश इतना आगे निकल गया है कि आज देश जो है ना त्राईमाम कर रहा है देश का गरीब। आज देश जो 2019 के चुनाव में खुद कांग्रेस ने जो एक ये दिया था डेटा दिया था, उनके लोग जो न्याय योजना बनाई थी उन्होंने, तो उसमें 20 करोड़ देश के गरीबी रेखा की बात कर रहे हैं, उसके टाइम में सब कलेक्टर था क्या? अगर इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है तो मोदी जी को एक बात बताओ क्या, प्रधानमंत्री कांग्रेस का बात छोड़ दो, मैं कांग्रेस की प्रधानमंत्री बन जाइए, मोदी जी को हरा दीजिए आप चुनाव में। मोदी क्या है, वोट मेरे को भी अडानी से फाइनेंस करवाओ और उसका प्लान दिलवाओ, जो बैठ के आए थे पहली बार अडानी के, तो मैं भी बन सकता हूँ यार। जब रात भर मीडिया ये करती थी हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, यही तो ऐड चलता था, वो ऐड कहाँ गया मैं यही पूछ रहा हूँ। रात को 8 बजे जब टीवी खोलो तो बोलता था मीडिया, शकी शैया तो खूब कमात हैं, महंगाई डाइन खाए जात हैं, तो आज महंगाई डार्लिंग कैसे हो गई है, ये मैं पूछता हूँ। और तुम लोग देखो एक बात बुरा नहीं मानना, पत्रकारों को मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग ही हमारा देश लुटवाए हो, तुम चौकीदार थे ना, तो जिस फर्जी चौकीदार ने कहा मैं चौकीदार हूँ और तुम असली चौकीदार साला जाके फर्जी चौकीदार के नीचे बैठ गए उसके नीचे, तो आज ये दिन हमको देखना पड़ रहा है, हमने कभी ये नहीं कहा। आज अगर मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा हूँ तो मेरे पर तुम ये कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, बोलते हो कि पहले ये नहीं, ये बताओ 2014 के पहले देश का कोई भी नागरिक नरेंद्र मोदी से सवाल करता था क्या? प्रधानमंत्री नहीं थे तो क्यों करेंगे? पहले बेरोजगारी नहीं थी, पहले महंगाई नहीं थी, आज ही महंगाई बढ़ी है। पहले क्या थी? अच्छा आपका नाम क्या है बॉस? इनके तरफ नहीं, मैं दिखाना, तुम लोग को एक्सपोज करना चाहिए, इनको दिखाओ जरा आपका नाम क्या है। पहले महंगाई अच्छा एक बात बताओ, 2014 में गैस सिलेंडर का रेट कितना था? 400 कुछ रुपए। लाइन में लगना पड़ता था भाई, लाइन में कितना लगा लो, भी दो दुगनी हो गई। नहीं कितना था? 420 325 कांग्रेस शासन 325 500 मान लीजिए, आज कितना है? 1200 नहीं सिलेंडर नहीं मिलता था ना। हाँ आपकी सवाल देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पत्रकारिता सीख क्या हो कि क्योंकि सिलेंडर नहीं मिलता था। सुनो यार पत्रकार नहीं, पत्रकार क्योंकि सवाल सही नहीं होती है। एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, 1200 आपने सुनिए तो ये बताइए, 2014 के पहले आप ही ने बताया कि 500 रुपया सिलेंडर था बराबर, और आज 1200 का है, और आप बोल रहे थे पहले सिलेंडर नहीं मिलता था। हाँ आप एक बात बताऊं, मेरे घर पर या इतने ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये आप लोग बताइए कि 2014 के पहले सिलेंडर नहीं मिलता था, यही होता था ना कि आज बुक किए तो 6 दिन में आता था, मिलता था 4 दिन में आता था, बस यही फर्क है, बाकी मिलता था नहीं मिलता था। कोई लकड़ी पे खाना बनाता था क्या? 2014 में कोई लकड़ी पे खाना बनाता था? कमाई बढ़ गई है, रोजगार बढ़ गए हैं, कमाई बढ़ गई है, रोजगार बढ़ गए हैं आपके ना। अरे भाई मेरे
आप एक बात बताए, कमाई बढ़ गई, आपकी कमाई बढ़ी? हाँ बिल्कुल बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है? कितनी सरकार दावे कर रही है तब कमाई बढ़ गई है, कोई खुशहाल नहीं है, गरीब एयरोप्लेन से चल रहा है हवाई चप्पल पहनने वाला, और एरोप्लेन ही बेच दिया हवाई चप्पल का सपना दिखा के। हाँ इसलिए सवाल ढंग का पूछो यार भाई, ढंग का पूछो जनता का। देखो मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, अरे यार मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात तो सुनो, बोलने दोगे नहीं तो कैसे होगा? तुम भी मोदी बन रहे हो, राहुल गांधी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोलने देते, और तुम जनता को तुम मीडिया वाले नहीं बोलने देते, तो यही तो चल रहा है देश में यार। तो एक मैं एक बात सुनो कि 2014 के पहले क्या थी और अब क्या है, कुछ आप लोगों को फर्क दिखता है नहीं दिखता? है। पहले दाल का रेट क्या था 2014 में और अब क्या है? अरे दाल चावल मुफ्त में मिल रहा है आज, देखिए। हाँ कितना मिल रहा है? मिलता है थोड़ा। कितना? हाँ भाई कितना? 5 किलो। 10 किलो राशन मिलता है प्रति व्यक्ति को। प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मिलता है एज पर ये पत्रकार साहब। तो ये बताइए 1 किलो राशन की कीमत क्या है आज की डेट की? 25 रुपया। 10 किलो का कितना हुआ? 250 रुपये का राशन, 250 रुपये का राशन सरकार फ्री देती है, और 1200 रुपया सिलेंडर पिछवाड़े से काट लेती है। नहीं है, अब मैं बोल तो रहा हूँ कि 2024 में जनता बनाम सत्ता की लड़ाई है,